Hey guys, welcome back to my channel Sana Beauty and Entertainment. तो मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. जैसे कि मैंने अभी जस्ट एक व्लॉग मैंने एंड किया है और मैं सेम अवतार में एक न्यू व्लॉग मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो व्लॉग एंड कर दिया क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. एंड मैंने अभी एक DIY लगाया था जो आप लोग को उस व्लॉग में दिख जाएगा. मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. तो वो स्किन तो बहुत ज्यादा ड्राई लग रही थी जो मैंने बताया था, तो बहुत अब मुझे मेरी स्किन अच्छी लगी. और मैंने अपने फेस को कुछ भी नहीं अभी लगाया, बस वो DIY मैंने यूज किया था तो वही बस किया मैंने. एंड मुझे बहुत गर्मी ठंडी लगी ठंडी. मैं बस यही करती हूँ, धूप से छांव दे दूँ, मैं दिन भर यही करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो गाइज आप लोग बताओ वो DIY आप लोग ने यूज किया कि नहीं किया. अभी भी आप लोग कर लो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ वो DIY आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा, इफेक्टिव लगा कि नहीं लगा. नहीं लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं दूसरा कोई अच्छा DIY लेकर आऊंगी जो आपकी स्किन पे इफेक्ट कर सके. और आपने वो देखा था जो मैंने बनाया था, क्या मैंने बनाया था, मटर पुलाव एंड चिकन. तो आप लोग कैसा लगा देखने में, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बट मुझे खाने में बहुत बहुत टेस्टी, बहुत मैंने अच्छा बनाया था. मैंने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सबको बहुत अच्छा लगा. तो मैं हो चुकी हूँ, और मेरे हाथ में फेल हो रहा है. तो मैं हो चुकी हूँ मास्टर शेफ. एक ने बोला था सब्सक्राइबर ने कि मैं मास्टर शेफ हो चुकी हूँ. मैं मास्टर शेफ हो चुकी हूँ. मैं जा रही हूँ अपना कोई रेस्टोरेंट खोलने. एंड आप लोग वहाँ आना, मैं इन्वाइट करती हूँ आप लोग को आना. क्या मैं बोलूँ, कभी आओ आप लोग भी तो मैं आप लोग को खिलाऊं अपने हाथों से बना. पता नहीं वो टाइम कब आएगा जब आप लोग मुझसे मिलोगे. देखते हैं इंशाल्लाह आप लोग मुझे वहां तक पहुंचा दो ताकि मैं आप लोग से मिल सकूं. अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती. कमेटी बॉक्स में मैं अपना कुछ डाल भी नहीं सकती हूँ. जैसे कि कमेटी बॉक्स में सब अपना डालते हैं फोटोज और या कुछ भी होता है डालते हैं. मैं नहीं डाल पाती क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर मुझे नहीं हुए हैं. तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ही लंबे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मरते जा रहे हैं. मुझे कट करवाना है, बहुत ज़्यादा मेरे हेयर लंबे हो रहे हैं. मुझे नहीं संभल पाता इतना लंबा हेयर. पता नहीं मेरा हेयर बहुत बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी. मैंने बताया ना आपको मेरा हेयर बहुत बंद बहुत जल्दी. इतना मैं आईब्रोज भी आप देख सकते हो, मैंने कुछ टाइम पहले बनवाया था फिर मेरे आईब्रो. और ये देख सकते हो मैं यहाँ से जा रही हूँ. तो मैं आ चुकी हूँ अपने बेड पे एंड मैंने कुछ खाने को लाया. खाने को मैंने क्या लाया है, क्या लाया है मैं बताती हूँ. मैंने खाने को क्या लाया, मुझे भूख लगी थोड़ी सी, इसीलिए मैंने ब्रेड और मलाई जो मैंने अपने फेस पे लगाया. मुझे भूख लग रही है इसीलिए. तो आप लोग ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मैंने खाया ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए मुझे भूख लग गई. आप लोगों को थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी क्योंकि पीछे काम चल रहा है. तो मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करती हूँ. ओ मेरा हाथ में पेन हो रहा है, मैं खा के आपको. हे गाइस गुड मॉर्निंग. तो अभी मैं किचन में हूँ जो कि आप देख सकते हैं हमारे बर्तनों से कप स्टैंड से. तो मैं भी किचन में हूँ. आज है फ्राइडे एंड मेरी हालत बहुत थोड़ी बुरी, आप देख सकते हो पागल लग रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे. तो आज मैंने पूरा घर साफ किया है. तो मैं अब जा रही हूँ नहाने, बस 2 मिनट. मैंने अभी चावल चढ़ाया है. सी हमारे यहाँ चावल इस पतीले में बनता है जो कि बहुत पुरानी ये पतीला है,
पतीली टोकरी, बहुत पुराना है, जमाना से चलते, जब मैं पैदा हुई तब से मैं इसी में चावल बन रहा है, तब से बन ही रहा है, चेंज अब तक नहीं हुआ है कि हाँ कुकर में हमारे यहाँ चावल नहीं बनता है, तो किचन की बातें ना करें तो अच्छा होगा। तो आज है फ्राइडे एंड मैं जा रही हूँ नहाने, और 12:30 बज चुका है, मैंने अभी तक नहीं नहाया, बहुत लेट हो चुका है, इसीलिए 1 मिनट देख सकते हो ऊपर बिस्किट रखे हुआ है, बिस्किट। तो आप लोग बताओ फ्राइडे को आप लोग क्या कर रहे हैं, एंड जुम्मा मुबारक हो आप सभी लोग को, जुम्मा मुबारक हो। तो मैं जा रही हूँ अभी नहाने, और ये मैं खाना थोड़ा बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बस बनने वाला है, बस हो जाएगा, मैं नहाने चली जाऊँगी, एंड मुझे पढ़ना भी है, नमाज कुरान भी करना है, आज फ्राइडे, आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा पागल बन रही हूँ, और मेरे हेयर आप देख सकते हो, झाड़ू हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़े बाद मिलती हूँ, एंड बाय बाय, जुमा मुबारक हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सना ब्यूटी एंड एंटरटेनमेंट। तो मैं फिर से आपका इंट्रो कर रही हूँ, मैंने अपना इंट्रो कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेकेंड डे आई हूँ, तो बहुत टाइम बाद मैं आ रही हूँ आप लोग से मिलने। तो अभी मैं फिर से मैं किचन में हूँ, एंड अभी मेरे साथ कौन है आप देख सकते हो, ये मेरा प्यारा भाई, ये फेस पे क्या लगा हुआ है ये कुछ फेस हैंड वॉश करके। तो गाइस मैं भी फिर से किचन में पाई गई हूँ, कि मैं किचन में ही रहती हूँ, और मैं फिर से वही सेम चावल बना रही, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ, इसीलिए कि मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ, आई मीन सेकेंड टाइम नहीं, सेकेंड डे मैं शूट कर रही हूँ। तो आज है मेरे मामा के घर कुरान खानी, एंड मेला रात में है, तो मुझे वहाँ जाना है, एंड बहुत ज़्यादा काम है, मिठाई पैक करना है, एंड जो सब बन रहा है उसकी तैयारी भी देखना है, क्या मुझे नहीं देखना है, बट मुझे उसमें कुछ हेल्प करना है, मैं उतना नहीं करूँगी, मुझे बस उसमें हेल्प करना है थोड़ा बहुत, एंड बस यही चल रहा है। एंड मैं अभी जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है बड़े हैं, मेरे अपर लिप्स मुझे बहुत बड़े, मुझे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत इचिंग भी हो रही है मुझे। तो मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने, मुझे हो सकता है कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है इचिंग हो रही हो, इसलिए मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने, और थ्रेडिंग करवा के मैं आऊँगी, तो फिर मैं आप सबसे मिलूंगी। मैं अभी कैसी लग रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, बाय बाय। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, एंड मैंने थ्रेडिंग करवा ली, आप देख सकते हो करवा ली है, एंड शाम हो चुकी है, तो मैं निकल रही हूँ, मुझे मिठाई में पैक करना है, तो इसलिए मैं जल्दी निकल रही हूँ, है तो मगरिब के बाद ही, बट मैं अभी निकल रही हूँ। तो मैंने बहुत सिंपल सा कुछ भी नहीं किया, मैंने बस काजल और हल्का सा लिपस्टिक लगाया, वो भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि अभी मगरिब की भी नमाज पढ़नी, तो वो भी मैं हटा दूंगी। तो मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुके हैं, 4 बज चुके हैं, तो मुझे जल्दी से जाना है, एंड देखती हूँ अगर हो सके तो मैं वहाँ का थोड़ा सा शूट कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आके घर पे आप सबसे मिलूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा लुक कैसा है, एंड इस साइड आप इग्नोर करें, इस साइड हमेशा ऐसे ही रहता है, तो आप देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे लगा कि कोई पीछे वाले टेरेस पे कोई था, तो इसलिए मुझे लगा कि कोई है, बट कोई नहीं है, मुझे थोड़ा सा भी शाई हूँ, उतना नहीं खुल पाई हूँ, इसलिए मुझे लगा कोई है, बट कोई नहीं था। तो सोया अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी बाद में, बाय बाय। आप बोलोगे ना कि मैं बस आती हूँ, अपना फेस दिखाती हूँ, चली जाती हूँ, आती हूँ अपना फेस दिखाती हूँ, चली जाती हूँ, वीडियो में बस यही रहता है, और कुछ रहता है, मैं क्या दिखाऊँ, मुझे हो ही नहीं पता, पता नहीं मुझे अच्छे से शूट हो ही नहीं पता, मैं क्या दिखाऊँ, जो भी मैं दिखा पाती हूँ बस दिखा देती हूँ, जो नहीं दिखा पाती हूँ नहीं दिखा पाती हूँ, पता नहीं। तो सॉरी उसके लिए, प्लीज़ फॉरगेट करिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा।
एंड मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं वहाँ भी थोड़ा सा वीडियो कर सकूँ, करूँगी तो ज़रूर आएगा ही आएगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। यहाँ हमारे बच्चे सब खेल रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ खेल रहे हैं। ये मामा का घर है और यहाँ बन रहा है हमारे ये चूल्हे पे जो गांव में बनता है वो चूल्हे पे बन रहा है। इसका टेस्ट ही अलग आता है मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन तो नहीं है बट चूल्हे पे अलग ही टेस्ट आता है। ये कैसी हो? कैसी हो? आ जाओ तुम भी। यहाँ पे बच्चे लोग शैतानी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही शैतानी हरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हो चिढ़ा रहे हैं मुझे, तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मैं देख रही हूँ इनकी हरकत। बहुत क्यूट लग रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। इसलिए मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो देख सकते हैं आप इन लोगों की हरकत। और हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में, मतलब मिट्टी के बर्तन में नहीं बन रहा था, वो स्टील की तकची में, मतलब ये मिट्टी लगा दिया गया था और बहुत ही अच्छे से इसका स्मेल आ रहा था चूल्हे पे। बहुत टेस्टी बना था और मिलाद के लिए यही बन रहा था। तो आप देख सकते हैं, बाय बाय। सो गाइस, मैं इसको ये भी एंड करती हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई तो मैं बहुत थक गई थी। बाय बाय।